तो बायोलॉजी में हम लोग आज लेसन नंबर 10 के क्लास 10 के लेसन नंबर 9 के 166 पर 3 को प्रश्न दिया है, उसको हल करते हैं। तो क्या हुआ, छाछरी मैंने क्यों लिखो, तो पैसे तो बना लीजिएगा। कह रहा है कि भाई क्या लिखो, कह रहे हो कौन से कारक हैं, सुनो यार, वह कौन से कारक हैं जो नई स्पीसीज के, अच्छा मैंने पहले 65 वाला लगे बोलोगे, चलो कह रहा है। देखो प्रश्न एक, वह कौन से विभिन्न तरीके हैं जिनके द्वारा एक लक्षण वाले बेस्टी जीवों की संख्या समष्टि में बढ़ सकती है। सुना, बेष्टि माने होता है व्यक्ति, बेष्टि माने, और समष्टि माने होता है समाज। पूछ रहा है प्रश्न में बाबू, वो कौन कौन सा तरीका है जिससे व्यक्तियों की संख्या समाज में बढ़ सकती है। आपको कल बताया गया था कि हर एक व्यक्ति के पास, हर एक जंतु के पास संतान उत्पन्न करने की प्रचुर क्षमता होती है, वो जितना चाहे उतना जनसंख्या को बढ़ा सकता। दूसरा ये कहा गया था कि जनसंख्या तभी बढ़ सकती है जब उसके लिए वातावरण क्या हो, अनुकूल, अनुकूल वातावरण रहता है तो उसमें व्यक्ति लड़ाई करता है, जो लड़ाई में जीत गया, जो वातावरण को अपने अनुसार ढाल लिया, जो अपने शरीर को वातावरण के अनुसार बदल लिया, वो जीवित रहता है, और जनन करता है, जनसंख्या को बढ़ाता है, और जो नहीं बदल पाया वो क्या हो गया। आप लोगों को जाड़ा पड़ता है तो कोई कोई दिक्कत होती है ना, जो छोटा सा बच्चा होता है उन लोगों को दिक्कत होती है, 2-4 महीना का जो बच्चा है या जो 70 से ऊपर बुजुर्ग है उनको दिक्कत होती है, क्योंकि वातावरण के अनुसार अपने आप को बदलने की कैपेसिटी कम होती है उन बच्चों में। लेकिन हम लोग के अंदर कैपेसिटी है, समझ रहे बात को, बता सकते हैं। जिसको जिसको वैक्सीन लगवाना होगा आज लगेगा यहाँ पर सरकारी विद्यालय, जो अगर नहीं लगा जिसका सबका लगेगा यहाँ पर, अलग ना तुम लगे। देखो अच्छा ही बताओ, वैक्सीन का पहला डोज में दूसरे का डोज में का अंतर बा, लेकिन शरीर में होकर कहा जाता है कि 50 दिन बन जाए तो बस लगा दे देते, कोनो अलग से थोड़े बल ओकरे के 2 डोज बना दिए बा, बस एक बार याद लगी तो 82 दिन बाद लगी, ओकरा बाद 84 दिन। घबराने तनको बात नहीं, सरकार ने ऐलान किया है, भारत सरकार ने, कि जैसे पोलियो की दवा हर घर घर जाकर पिलाई जाती है, उसी तरह से वैक्सीन भी लगवाई जाए, गांव गांव में जाएगा ही, एक भी बच्चा अभी आपको नहीं लग रहा है, आपको कहा गया था ना 2 अक्टूबर के बाद लगेगा, हम आपके घर वाले को कह रहे थे जिसको नहीं लगा। चलो लिखो, जनसंख्या को बढ़ाने के लिए हो गया, बुखार लगा था तो मत लगवाइया, लगा था तो मत लगवाइया, जनसंख्या को बढ़ाने के लिए वातावरण को बहुत अलग अलग कहानी बा, अनुकूल होना चाहिए, कहानी सुनेंगे तो पागल हो जाएगी। जनसंख्या को बढ़ाने के लिए वातावरण का अनुकूल होना चाहिए, समझ रहे हो, अनुकूल नहीं रहेगा तो जनसंख्या नहीं बढ़ेगा, बात समझ रहे हो, यही बात होती है। दूसरा लिखना, सभी जीवों में संतान उत्पन्न करने की प्रचुर क्षमता होती है। हाँ यार तो इसी में है, जिससे जनसंख्या बढ़ती है, जिससे जनसंख्या बढ़ती, चलो ये भी हो गया, जिससे जनसंख्या क्या होती है बढ़ती, पहला उत्तर फाइनल।
तो समझे ना कैसे आपको बढ़ाना है जनसंख्या के बारे में लिखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, लिखा कैसे लो लिख लिए, दोनों लिख दिखाई दे रहा है ना। एक एकल जीव द्वारा उपार्जित लक्षण समानता अगले पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी मनाई जाती है। उपार्जित लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी मनाई जाती है, क्योंकि उपार्जित लक्षण जो होता है अनुवांशिक नहीं होता है, अनुवांशिक इसलिए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी। अगर प्रश्न आगे बोर्ड में तो लिखो वो लिखा है, दूसरा गोता लिखा है, दूसरा है या उसमें दो लिखा गया है। ऐसा नहीं देखने से लगता है कि तुम लोग 10 के बच्चे हो, है जा माने क्वालिटी है। दू का तो दू का लायक नहीं कह, ये हम तरह के बताए तनिए लिख लो कि उपार्जित लक्षण। तो सोचेंगे 10 के लेकर हर जगह पड़ा तो ये सर यही हो गया सर देश के लेकर पूरा भारत के। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में नहीं जाता है, मेरे देश के प्यारे प्यारे बच्चे बहुत अच्छे तरीके से आप अपने जिम्मेदारी को समझिए, क्योंकि अनुवांशिक नहीं होता, क्योंकि अनुवांशिक नहीं होता। वह लक्षण जाता है जो अनुवांशिक होता है। उपार्जित लक्षण तो कब उत्पन्न होता है भाई, ऊपर आने के बाद जन्म लेने के बाद, जन्म लेने के बाद। देखिए तीसरा उत्तर के पास आते हैं, बताओ लगातार बाघों की संख्या कमी, बाघों की संख्या में कमी हो रही है जो कि चिंता के विषय है, क्यों? हाँ कारण बता रहा, शिकारी का मरे कहानी का कुत्ता बिलाई मर जाता, बिलाई शिकारी करता है, हाँ वातावरण उसके अनुकूल नहीं है। मछली का तो हर साल खा लेनी जा पोखरा उदवा उधर के तब साल मछली वही में आ गई, इसका मतलब यह हुआ कि वातावरण उनके लिए अनुसार अनुकूल है। देखो बाघों की संख्या लगातार घट रही है, क्योंकि वातावरण बाघों के अनुकूल नहीं है, बाघों के अनुकूल नहीं, बाघों के अनुकूल। अब ये फिजिक्स में घेरी में चुंबकीय बल कारक संख्या के गुण